आजमगढ़ सीट के समीकरण पूर्वांचल से सबसे चर्चित सीटों में से एक है। ये एक ऐसी सीट है जहां कांटे की टक्कर इस बार भी है और पिछली बार भी थी, उससे पहले भी थी, और यहां जीत हार और संभावना और किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता। वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। वही अखिलेश यादव ने अपने परिवार के धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से चुनावी समर में उतार कर लड़ाई दिलचस्प बना दी है। इस सीट के पुराने और नए समीकरण पर बात करें तो बड़े अहम है। आजमगढ़ सीट के इतिहास में भी गर्त छिपा है। आजमगढ़ सीट हमेशा से उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट रही है और समीकरण भी इसके उमदा रहे हैं। चुनावों की बात करें, सीट पर 3 बार सपा, 3 बार बसपा और 2 बार भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इस सीट से 2014 में मुलायम सिंह यादव, 2019 में अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं। अखिलेश यादव ने 2019 में भाजपा के दिनेश लाल यादव और निरहुआ भोजपुरी कलाकार को 260,000 वोटों से हराया था। हालांकि अखिलेश यादव ने आगे जाकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सांसदी से इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हुई। इस कारण 2022 में आजमगढ़ में उपचुनाव हुए जिसमें भाजपा के दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराया और इस बार दोनों आमने सामने हैं। क्या इस बार फिर से 2022 वाले या 19 वाले समीकरण आएंगे? भाजपा की निरहुआ ने 2022 में आजमगढ़ सीट पर धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 मतों से करीबी अंतर से हराया, यानी मुकाबला इस बार कांटे का है। वोट किस किरवट बैठेगी वो देखने वाला होगा। तब भाजपा की बसपा से गुड्डू जमाली उम्मीदवार थे और जमाली भी आजमगढ़ के चर्चित नेता है। उन्होंने चुनाव में 2 लाख से अधिक मत हासिल किए और यही फैक्टर था कि निरहुआ जीते, लेकिन इस बार गुड्डू जमाली सपा के पाले में बैठ गए हैं और MLC बन चुके हैं। यानी धर्मेंद्र यादव को जमाली वाले वोट ट्रांसफर होते हैं तो निरहुआ की मुश्किलें बढ़ेंगी। इस कारण निरहुआ सीट बचाने के लिए कड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और उन्हें कड़ा मुकाबला भी मिल रहा है। आजमगढ़ वो सीट है जहां यादव बहुल क्षेत्र और यहां पर सपा का हमेशा से दबदबा रहा है। 18 लाख के करीब मतदाताओं में से यादव और मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। मुस्लिम यादव मतदाता यानी MY समीकरण यहां पर इतना फिट बैठता है कि 40% तक आंकड़ा पहुंचता है। बता दें, बीते चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन है, बसपा अलग है। इसके अलावा 50% के ऊपर अन्य जातियों के मतदाता हैं। माना जाता है क्षेत्र में दलित मतदाता की संख्या 3 लाख के करीब है, जो करीबी मुकाबले में बड़े काम के आते हैं। क्योंकि यहां पर जीत हार क्यों आसान नहीं, उस पर भी बात कर ली जाए तो आजमगढ़ पर निरहुआ या धर्मेंद्र यादव से सीधे तौर पर कौन जीतेगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जल्दबाजी है कहना। निरहुआ भी यादव हैं और धर्मेंद्र भी यादव हैं और संसदीय क्षेत्र में यादव बहुल है और एक्टिव भी हैं। भाजपा लगातार यादव मुस्लिम को अपनी ओर लाने की कोशिश में जुटी हुई है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अलग बात थी, लेकिन धर्मेंद्र यादव क्या किला बचा पाएंगे? भाजपा से इस बार ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी है। वहीं अगर बसपा फिर से किसी पॉपुलर उम्मीदवार को उतारती है तो वोट कटने के लिहाज से किसी को भी फायदा नहीं बीजेपी को हो सकता है। आजमगढ़ एक बार फिर से काफी रोचक मुकाबले की ओर है। जीत हार यहां बसपा के उम्मीदवार पर भी तय करेगी, क्योंकि बीच के मत साफ होने से रास्ता भी साफ होगा। भाजपा आजमगढ़ वाराणसी मिर्जापुर मंडल के 13 दिवरिया सलेमपुर लोकसभा के आंशिक के साथ में 6 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। वाराणसी से PM नरेंद्र मोदी खुद है, चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और सलेमपुर से डॉक्टर रविंद्र कुशवाहा तीसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। लेकिन हम बात आजमगढ़ की कर रहे हैं। आज़ादी के बाद PM मोदी के सामने उस रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा जब काशी से लगातार तीसरी बार सांसद हो सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस के रघुनाथ सिंह और भाजपा के शंकर प्रसाद जायसवाल लगातार इस सीट से 3 बार सांसद बने। PM मोदी ने 2019 का चुनाव रिकॉर्ड अंतरों से जीता था, लेकिन 19, 14 और इस बार 24 से उन्हें 63.6% मत मिले। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी शालिनी यादव को 18.4%, कांग्रेस के अजय राय को 14.38% मत मिले। लेकिन इस बार सपा एक है, बसपा अलग है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतने वाले दिनेश लाल यादव ने रहुआ
पर पार्टी ने फिर भरोसा जताकर यादव से यादव को लड़ाने की जोखिम उठाई। उपचुनाव में मुलायम सिंह परिवार के भाई धर्मेंद्र यादव यानी अखिलेश के चचेरे भाई इकराई नाम पार्टी फिर से दिया है आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से पिछली बार चुनाव हारने वाली नीलम सोनकर को फिर प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि नीलम 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीता था।